नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज माउस पॉइंटर के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक माउस पॉइंटर के जो है कितने सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप लोग अपने कंप्यूटर के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा औसम और एडवांस बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप ये माउस का पॉइंटर देख रहे हैं। आप हमेशा किसी भी वर्ड की फाइल को या ऑफिस की फाइल को यहाँ से बंद करते होंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद इसका दोस्तों एक ऑप्शन और है। आप यहाँ जाने के बाद ये जो देख रहे हैं ऑफिस का बटन, यहाँ भी जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। देखिए, हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक करते से ये फाइल यहाँ से बंद हो गई है। तो इस तरीके से जो है आपके पास किसी भी फाइल को बंद करने का एक और ऑप्शन है, वो फाइल ऑफिस की होनी चाहिए। आप जैसे ही ऑफिस के बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो जो है वो फाइल वहाँ से बंद हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बताना चाहेंगे, आप जब कभी ऐसा पैराग्राफ देखते हैं, आपको उस पैराग्राफ में से कोई वोकैब के ऐसे वर्ड्स अलग से निकालने होते हैं और आप चाहते हैं कि एक साथ ही हम उनको कॉपी पेस्ट कर लें या अलग कर लें, तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे कि मान लीजिए ये सेवरल इनएविटेबल है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल बटन का प्रेस करने के साथ जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है ये। अब मुझे इसके साथ जो है अब और कोई सा भी, जैसे यहाँ पे स्वीपिंग को करना है तो मैं यहाँ स्वीपिंग को कर लेता हूँ। ये देखिए, डबल क्लिक के बाद मैं कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखा हूँ जब तक कि मुझे ये सारे बटन्स जितने भी ये जो कह सकते हैं आपको वोकैब के वर्ड्स जो है मुझे यहाँ से कॉपी करने हैं। देखिए, ये कंट्रोल बटन के साथ आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो ये जितने भी वर्ड्स को आप जो है इस तरीके से आप अलग अलग कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कंट्रोल बटन को जो है यूज़ करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है जब तक कि आपके सारे वर्ड्स जो है कॉपी नहीं हो जाते हैं, और आपको माउस के जो है लेफ्ट क्लिक से इनको जो है सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, आप जब भी किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है इस तरीके से ट्रैक करके सेलेक्ट करते हैं, और जितना ही वर्ड सेलेक्ट करना होता है तो आप ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा डबल क्लिक उसके ऊपर कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए, डबल क्लिक करते ही वो जो है पूरा वर्ड एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए इस पैराग्राफ के अंदर जो एक लाइन है, एक लाइन हम कहाँ तक बोलते हैं, एक लाइन हम बोलते हैं जहाँ तक उसका फुल स्टॉप नहीं आ जाता है, और आप चाहते हैं कि वो एक साथ एक क्लिक पर सेलेक्ट हो जाए, हमें ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट ना करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन में कहीं भी अपने माउस के पॉइंटर को ले जाना पड़ेगा और आपको जो है कंट्रोल बटन को प्रेस करके जो है एक बार आपको सिर्फ क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे एक बार कंट्रोल बटन का प्रेस करके, तो आप उस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, मैं कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जितनी बड़ी लाइन थी, जहाँ पर भी उसका पहला लाइन का शुरू होते से ही फुल स्टॉप आने वाला होता है, उतनी लाइन को दोस्तों ये जो है एक साथ एक क्लिक में सेलेक्ट कर लेता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी माउस का यूज़ करने वालों के लिए। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है इस पूरे पैराग्राफ को, जैसे कि आप ये पैराग्राफ देख पा रहे हैं इसे हमने सेलेक्ट किया है, ऐसे ही आप ये पैराग्राफ देख पा रहे हैं इसे सेलेक्ट किया है, और हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हम अलग तरीके से सेलेक्ट करें और हम इसे सेलेक्ट करें एक साथ एक क्लिक पर, तो उसको करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो माउस का लेफ्ट क्लिक हम करते हैं उसे हमें कंटिन्यूस उस पैराग्राफ के अंदर तीन बार जल्द से जल्द क्लिक करना होगा। देखिए ये दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया और ये देखिए पूरा जो है हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। जैसे ही आप तीन बार क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा जो है पूरा यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से तीन बार सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ से दोस्तों जो है सेलेक्ट हो गया है। उसी तरीके से दोस्तों मैं एक चीज़ और करके बताना चाहूँगा आप लोगों को,
आप लोगों ने अभी तक देखा होगा जिस तरीके से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये पूरी लाइन जब तक नहीं कवर हो जाती है तब तक ये दूसरी लाइन पर नहीं जाता है। अब हम इसको वर्टिकली जो है कॉपी करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को, और उसको कैसे कॉपी किया जाएगा यह भी मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है, और ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद ये देखिए, अब आप पर्टिकुलर किसी भी एक सेक्शन को जो है आगे जाए बिना आप उतने सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो है आप उस सेक्शन को वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कैसा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अभी तक हम इसको इस तरीके से कॉपी करते हैं कि जब तक एक लाइन कॉपी नहीं हो जाती है तो वो दूसरी लाइन पर नहीं आता है, लेकिन अब हम एक लाइन को पूरे कवर किए बिना ही अल्ट बटन का ऑप्शन का यूज़ करके और क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है वर्टिकली भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। आप ये मान लीजिए इस वर्ड को अकेले आगे के आप इस पूरे ये लेना चाहते हैं एक एक वर्ड को, तो हम ये यहाँ से लेटर को भी अलग से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा जो है ट्रिक था माउस का यूज़ करने वालों के लिए। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये कॉपी पेस्ट करने का जो तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये जो नेशन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से जो है कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, और कंट्रोल बटन को प्रेस करने के साथ साथ मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, ये दिख रहा है आपको दिस टाइम यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल बटन को क्लिक करके इस नेशन को यहाँ रखूँगा तो नेशन वर्ड वहाँ भी बना रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं नेशन यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी हमने ड्रैग करके रख दिया है। उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, हमें कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और हमें यहाँ पर लाके जो है इस तरीके से इसको फिट कर देना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करना नहीं चाहते, आप इसको पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए और आप इस तरीके से यहाँ पर इसको किसी भी वर्ड को ईजिली ला सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक थी। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हम माउस पॉइंटर के बारे में बताते हैं, जब हम इस विंडो को दोस्तों मिनिमाइज कर लेते हैं, देखिए मान लीजिए आप इस विंडो के पीछे काफ़ी सारी विंडो दिख रही हैं आपको शॉर्ट, अब हम चाहते हैं कि ये सारी विंडोज़ जो पीछे हैं वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएं और हमारी ये एक मेन विंडो बची रहे, तो आपको करना क्या है, आपको इसको हल्का सा शेक करना है। जैसे ही आप शेक करेंगे देखिए पीछे जो विंडो थी उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया और वो जो है मिनिमाइज हो गई है। ऐसे ही आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस विंडो को फिर से शेक कर देंगे, जैसे ही आप शेक कर देंगे तो वो जो है विंडो दोबारा से पीछे आ जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक थी माउस का यूज़ करने वालों के लिए। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे जैसे जब हम कोई एक लिंक को क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि उस लिंक से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस लिंक्स अदर लिंक्स नीचे आ जाते हैं, और अब हम चाहते हैं कि ये क्लिक करने पर जो है नेक्स्ट टैब में ओपन हो, इस पेज पर ओपन ना हो, जितनी भी ये आप लिंक देख पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और आप अब जैसे ही इस लिंक को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पहली लिंक दूसरे टैब में ओपन हो गई है। अब हम इस दूसरी लिंक पर क्लिक करते हैं, ये दूसरी लिंक दूसरे टैब में ओपन होगी। अब हम तीसरे पे करते हैं, ये तीसरी लिंक तीसरे टैब में ओपन होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रोल बटन का यूज़ करके माउस के एक क्लिक से जो है अलग अलग टैब में अपनी अलग अलग लिंक्स को भी ओपन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये माउस से जुड़े हुए काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।